यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहाँ की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने की लालू जी को अंदर कर दिया। दुबे जी हो, कल भी डिबेट हुआ उसमें पता नहीं लोग क्या बोलता रहता है, कुछ सच से कोई लेना देना है क्या बोले ना बोले लोगों को क्या काम है। अपोजिशन का लेके आए हो आप, अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो, दूसरी पार्टी है टीएमसी, दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों, क्योंकि वो हरी अनंत हरी कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर टीएमसी, माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं, सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया टीएमसी का, माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की आरजेडी, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए, हमने उनको जेल नहीं भेजा सर। मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर गाने की सुर नहीं, मतलब गाने की रीत नहीं, मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए, यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया, हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर दुबे जी हो, कल भी डिबेट हुआ उसमें पता नहीं लोग क्या बोलता रहता है, कुछ सच से कोई लेना देना है क्या बोले ना बोले लोगों को क्या काम है? वहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मौन है मणिपुर को लेकर, ये कोई संख्या के मामले में थोड़ी ना बात है कि किसकी कितनी संख्या है क्या है, नहीं बात हो रहा है कि मणिपुर अगर जलता है तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। कैसे ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई क्या की जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अब उस इन चीज़ों के लिए लेकर के अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे ना दे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है? जनता देख रही है और जितना गाली पड़ता है उतना हम मजबूत होते हैं। बोलने दीजिए, घमंडिया नाम उन्होंने दिया है इंडिया को, अब ये देख लीजिए क्या इन लोगों का संस्कार। थैंक यू थैंक यू।